तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको कई लोग ऊपर से गिरते हुए दिखाई देते हैं और यहाँ से एक आदमी निकलता है गन लेकर। और उसके बाद मूवी स्टार्ट होती है 28 साल पहले से, दिसंबर 2022, जहाँ पर एक आदमी आर्मी वालों को कन्वेंस कर रहा होता है कि मैं पहले आर्मी में था पर मेरा इंटरेस्ट आर्मी रिसर्च सेंटर में है और मैं वहाँ पर जॉब करना चाहता हूँ। और इस आदमी का नाम होता है डैन, जो कि कैलिफोर्निया में बायोलॉजी का टीचर है। और आज उसके घर में होती है पार्टी और डैन की एक छोटी सी बच्ची भी है जिसका नाम है म्यूरी। और पार्टी में सभी लोग पार्टी के साथ साथ फुटबॉल मैच भी देख रहे होते हैं। और तभी हमको दिखाई जाती है डैन की वाइफ जिसका नाम होता है एमी। और तभी एमी बताती है कि तुम्हारे पापा ने क्रिसमस कार्ड भेजा है, पर डैन अपने पापा को पसंद नहीं करता था। वो कहता है कि मैं अपने पापा को म्यूरी के आसपास भी नहीं भटकने दूंगा। और इसका रीजन हमको आगे मालूम चलेगा कि वो क्यों अपने डैड को पसंद नहीं करता। कि तभी डैन के पास कॉल आता है जहाँ पर उसने अप्लाई किया था आर्मी रिसर्च सेंटर की जॉब के लिए, पर वहाँ से उसको रिप्लाई आता है कि हम आपको नहीं ले सकते। और डैन का दिमाग खराब हो जाता है और वो वहाँ पर तोड़फोड़ मचा देता है। और वो घर आकर अपनी बेटी के पास बैठ जाता है और म्यूरी उससे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सभी लोग अब इस फुटबॉल मैच को देखते हैं जो कि आखिरी मोमेंट पर एक प्लेयर गोल करने वाला था। कि तभी ग्राउंड के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ी रोशनी आती है और जितने भी लोग इस फुटबॉल मैच को देख रहे थे सब चौंक जाते हैं। और वहाँ से काफी सोल्जर निकलते हैं जहाँ पर ये सोल्जर आती है और सबसे कहती है कि हम लोग आपका भविष्य है और हम लोग आए हैं 30 साल पास से। वो कहती है कि भविष्य में हमारी जंग छिड़ चुकी है और हमारी जंग कोई देश से नहीं बल्कि एलियन से है और हम लोग एलियन से जंग हार रहे हैं और अगले 12 महीने में इस धरती से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा अगर आप सभी ने हमारी हेल्प नहीं करी। आपको हमारे साथ मिलकर उन एलियन से लड़ना पड़ेगा क्योंकि आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। और अब 12 महीनों के बाद हमें ये मालूम चलता है कि अभी प्रेजेंट टाइम की सरकारें अपने सोल्जर को तैयार करके भविष्य में भेज रही हैं उन एलियन से लड़ाई करने के लिए। पर 7 दिन बाद सभी की उम्मीदें टूट गईं क्योंकि कुछ ही सैनिक वापस लौट के आ पाए और हमको एक सीन ऐसा दिखाया गया यानी कि इंडिया के सोल्जर ने भी इस जंग में पार्टिसिपेट किया। और अब सैनिकों की कमी होने के बाद इस वॉर में सिविलियंस को भी इस जंग में उतारा गया, पर भविष्य में इंसानों की आबादी 5 लाख से भी कम हो चुकी है। पर इसके अपोजिट भी काफी लोग आवाज उठा रहे कि आप लोग भविष्य के लिए प्रेजेंट टाइम के लोगों को मरने के लिए भेज रहे। और म्यूरी भी इस बात से काफी डर चुकी है, पर डैन उसको दिलासा देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो अपने स्कूल में सभी बच्चों को पढ़ाता है पर कोई भी बच्चा उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि भविष्य में वो लोग मरने वाले हैं तो पढ़ाई करने का क्या फायदा। पर डैन कहता है कि सिर्फ साइंटिस्ट ही इस दुनिया को बचा सकते हैं। और यहाँ पर एक लड़का ज्वालामुखी के टॉपिक में काफी इंटरेस्टेड होता है, वो हर टाइम बस ज्वालामुखी के बारे में पढ़ता है। और अब डैन को भी आर्मी से न्योता आता है भविष्य में जाकर जंग लड़ने के लिए। और यहाँ पर ये लेडी सोल्जर बताती है कि आप 7 साल और जियोगे। और ये सोल्जर भविष्य में जाने वाले लोगों के हाथ में एक डिवाइस लगाते थे जो कि आसानी से नहीं उतरता था। ये लोग बताते हैं कि अगर आप मरते हो तो आपकी फैमिली को $10 लाख मिलेंगे। और जब वो इस डिवाइस को पहनकर घर जाता है तो एमी समझ जाती है कि अब डैन भी जंग में जाने वाला है और वो उसको कन्वेंस करती है कि प्लीज वहाँ पर मत जाओ। तब डैन बोलता है कि मैं चाहकर भी यहाँ से नहीं भाग सकता। तब एमी बोलती है कि तुम मुझे और अपनी बेटी को सुरक्षित कर सकते हो अपने पापा की हेल्प से। और डैन मजबूरन अपने पापा के पास जाता है जो कि एकदम खड़ूस होते हैं और डैन भी उनको पसंद नहीं करता। दरअसल डैन के पापा डैन और उसकी माँ को अकेले छोड़कर चले गए थे और जब डैन की माँ मरी थी तब भी वो उससे मिलने नहीं आए थे और आज भी डैन उस बात पर काफी गुस्सा है। पर डैन के पापा बताते हैं कि वहाँ पर मेरी कुछ मजबूरी थी इसलिए मैं तुम लोगों को छोड़कर चला गया था। और डैन गुस्से में बिना हेल्प लिए वहाँ से चला जाता है। और डैन एमी से कहता है कि मुझको जाना ही पड़ेगा पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बच के जरूर आऊंगा। और जब ये बात म्यूरी को मालूम चलती है कि उसके डैड जंग में जाने वाले हैं तो वो काफी सैड फील करती है। और अब डैन वहाँ पर जाता है जहाँ पर सभी लोग भविष्य में जाने वाले थे। ये सोल्जर बताती है कि आपके हाथ में जो डिवाइस है वो हमको बताता रहेगा कि आप जिंदा है कि नहीं और जब जंग खत्म हो जाएगी तब हम आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर बुला लेंगे। और यहीं पर डैन को एक आदमी मिलता है जो कि काफी डरपोक होता है और इसका नाम होता है चार्ली। और चार्ली और डैन एक ही टीम में होते हैं। दरअसल यहाँ पर टीम एज के हिसाब से बनती थी कि यंग लोग अलग ग्रुप में और मीडियम एज के लोग अलग ग्रुप में और सबसे ओल्ड लोग अलग ग्रुप में। और तभी चार्ली यहाँ पर डैन को एक और आदमी के बारे में बताता है जो कि तीसरी बार इस जंग में जा चुका है। ये सोल्जर बताती है कि हमारा सामना काफी बड़े बड़े एलियन से है जिनका नाम है व्हाइट स्पाइक।
यहाँ पर एक औरत कहती है कि आप हमको उनकी फोटो क्यों नहीं दिखा रहे। तब ये सोल्जर कहती है कि अगर मैं आपको फोटो दिखा दूंगी तो आपकी यहीं पर हालत खराब हो जाएगी। और तभी अचानक से इनको कहते हैं कि अब आपके जाने का समय हो चुका है, और सभी लोग कतार में खड़े हो जाते हैं। और ये बड़ी सी मशीन सभी को एक एक करके फ्यूचर में भेजने के लिए तैयार हो जाती है। पर इस मशीन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है और लोग बारिश की बूंदों की तरह ऊपर से गिर रहे होते हैं। पर डैन तो इस मूवी का हीरो है, तो वो तो पानी में ही गिरेगा, और उसके साथ कुछ और साथी भी पानी में ही गिरते हैं। और जब ये लोग अपने आप को संभालते हैं तो ये सभी लोग क्या देखते हैं कि पूरा एरिया तबाह हो चुका है और कुछ अजीब तरीके के एलियन सभी पर हमला कर रहे हैं। और तभी यहाँ पर इस टाइम की आर्मी रिसर्च टीम की हेड इन सभी से कनेक्ट करती है और कहती है कि ये आर टीम मेरी है। और डैन अपनी पहचान बताता है इस हेड को, और ये हेड बताती है कि व्हाइट स्पाइक ने पूरी सिटी पर कब्जा कर लिया है, तो हम लोग इस सिटी को उड़ाने वाले हैं। और वो डैन से कहती है कि मेरी रिसर्च टीम एक लैब के पास फंसी है और चारों तरफ व्हाइट स्पाइक है, और तुमको वहां पर जाकर मेरी टीम को बचाना है। और ये सभी लोग चोरी छुपे उस लैब की तरफ बढ़ते हैं, और जब ये लोग अंदर पहुंचते हैं तो ये लोग क्या देखते हैं कि रिसर्च टीम मरी हुई उल्टी लटकी है। और अब हेड कहती है कि तुमको लैब में जाकर हार्ड ड्राइव उठाना पड़ेगी, पर वो एलियन इस लैब में दोबारा से आएंगे। और तभी डैन को वो शीशियां मिल जाती हैं जो उससे यहाँ की हेड ने मंगाई थी। और दूसरी तरफ आर्मी की टीम यहाँ पर बम गिराने वाली थी, और ये लोग जैसे ही बाहर जाते हैं इस बिल्डिंग की छत के ऊपर व्हाइट स्पाइक आ जाते हैं और इन सभी पर हमला कर देते हैं। व्हाइट स्पाइक जो कि देखने में काफी भयानक लगते हैं, और इनकी पूंछ में एक शूटिंग मटेरियल होता है जिससे ये लोग दूर से ही लोगों को मार सकते हैं। और ये लोग बड़ी आसानी से ही सभी लोगों को मारने लगते हैं क्योंकि गन का असर इन पर ज्यादा नहीं होता। और जब डैन की गोलियां खत्म हो जाती है तब वो कुल्हाड़ी से इस एलियन के सिर पर वार करता है। तभी ये दूसरा एक्सपीरियंस आदमी बोलता है कि इन व्हाइट स्पाइक की कमजोरी है सिर और पेट, और अब इन सभी को एक टीम रेस्क्यू करने आती है। पर ये व्हाइट स्पाइक उस टीम पर हमला कर देते हैं। तब ये हेड बोलते हैं कि जहाँ पर भी रेड धुआं है उस एरिया से दूर भागो क्योंकि वहाँ पर बम गिरने वाले हैं। और यहाँ पर कुछ साथी अपनी जान की कुर्बानी देकर और टीम के मेंबर्स को बचा लेते हैं, और वहाँ पर आर्मी बम गिरा देती है। और जब बचे हुए साथियों की आंखें खुलती हैं तो वो लोग आर्मी के बेस कैंप में होते हैं, जहाँ पर डैन उस आदमी से कहता है कि तुम तीसरी बार यहाँ पर क्यों आए। तभी आदमी बताता है कि मैं कैंसर का मरीज हूँ और मैं 6 महीने में वैसे ही मरने वाला हूँ, तो मैं अपनी जान लोगों के लिए कुर्बान तो कर ही सकता हूँ। और तभी डैन के पास वही हेड आती है जो कि इन सभी को कमांड दे रही थी, और ये हेड बताती है कि मेरा सरनेम फॉरेस्टर है। तब डैन को काफी अजीब लगता है। तब डैन पूछता है कि तुम कहाँ से हो। तब ये हेड बताती है कि यहाँ से आप हो। और यहाँ पर हमको मालूम चलता है कि ये हेड डैन की बेटी म्यूरी है, और डैन इस बात से काफी खुश होता है। पर कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से म्यूरी डैन से अच्छे से रिएक्ट नहीं करती, और वो कहती है कि मैंने आपको यहाँ पर मिशन के लिए बुलाया, पर वो उसको ये नहीं बताती कि वो मिशन क्या है। अब म्यूरी डैन को इन व्हाइट स्पाइक्स की मादा दिखाती है। वो बोलते है कि बाहर की तरफ सभी नर स्पाइक हैं और मादा सबसे मेन है, वही सबको पैदा करती है, और वो काफी गुस्सैल है और सभी नर उसकी रक्षा करते हैं, और इस मादा का घोंसला जमीन के अंदर होता है। हमने जो जहर बनाया उससे ही नर स्पाइक्स तो मर जाते हैं पर मादा का उस पे असर नहीं होता। और ये सभी लोग चाहते हैं मादा को पकड़ के उसको मारने के लिए जहर बनाना, क्योंकि ना रहेगी मादा और ना रहेंगे मादा के आने वाले बच्चे। और ये लोग मादा का एक घोंसला देख लेते हैं, और वहाँ पर मादा को पकड़ने के लिए काफी ट्राई करते हैं। और डैन उससे पूछता है कि भविष्य में मेरे साथ क्या हुआ था, पर म्यूरी उसको कुछ भी नहीं बताती और इस मादा को पकड़ने के लिए नीचे उतर जाती है। पर ये मादा काफी ताकतवर थी, और ये मादा म्यूरी पर अटैक करने वाली होती है कि तभी वहाँ पर डैन आ जाता है, और ये सभी लोग मिलकर इस मादा को एक पिंजड़े में बंद कर देते हैं। पर तभी ये मादा काफी जोर से चिल्लाती है और सभी नर व्हाइट स्पाइक इस मादा को बचाने आ जाते हैं, और डैन और म्यूरी जमीन पे ही रह जाते हैं, और अदर सोल्जर इस मादा को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। पर डैन और म्यूरी वहाँ से भाग जाते हैं। डैन उससे पूछता है कि भविष्य में मेरे साथ क्या हुआ। तब म्यूरी कहती है कि आप मुझको और मेरी माँ को छोड़कर चले गए थे, और मेरे 16वें जन्मदिन में आप कार एक्सीडेंट से मर गए थे। पर डैन को यकीन नहीं होता कि वो अपनी फैमिली को क्यों छोड़ेगा, और तभी हेलीकॉप्टर आकर इन दोनों को अपने साथ ले जाता है। और ये लोग एक काफी बड़ी जगह पर जाते हैं जहाँ पर काफी सिक्योरिटी होती है और काफी बड़ी बड़ी दीवारें भी, जिससे वो व्हाइट स्पाइक यहाँ पर ना आ सके। और अब म्यूरी और डैन मिलकर इस मादा का खून निकालते हैं उसके लिए जहर बनाने के लिए, और ये लोग उसको शांत रखने के लिए बेहोशी के इंजेक्शन दे रहे थे। और अब म्यूरी टेस्ट करती है कि कौन सा जहर सबसे ज्यादा ताकतवर होगा।
शुरू में तो वो काफी असरदारी जहर नहीं बना पाती, पर आखिर समय पर उसको इस मादा को पूरी तरीके से नष्ट करने वाला जहर मिल जाता है। और डैन पूछता है कि तुमने मुझको ही क्यों यहाँ पर बुलाया। तब म्यूरी कहती है कि मुझको सबसे ज्यादा भरोसा आप पर ही है, और मैं चाहती हूँ कि आप ये जहर अपनी दुनिया में ले जाकर पहले ही इस मादा को मार देना, जिससे और एलियन पैदा ही ना हो। पर डैन कहता है कि तुमको भी मेरे साथ चलना होगा, कि तभी ये मादा काफी जोर से चिल्लाती है। और ये सभी लोग बाहर क्या देखते हैं कि पूरे नर मादा को बचाने के लिए इस पूरे एरिया पर हमला कर चुके हैं, और डैन के जाने का समय नजदीक था। पर ये नर काफी बड़ी मात्रा में थे और ये लैब को तोड़कर उस मादा को छुड़ा लेते हैं। और इस मादा को मालूम था कि म्यूरी ने शहर बना लिया है, तो वो चाहती है डैन और म्यूरी को मारना, और वो म्यूरी पर अपनी पूंछ से अटैक कर देती है। और जब डैन समय में लौटने वाला होता है, तब वो म्यूरी को भी अपने साथ ले जाना चाहता था, पर म्यूरी अपनी जान की कुर्बानी देती है, क्योंकि उसको मालूम था कि डैन का बचना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब वो अपने समय में पहुंच जाता है, तब उसको काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसकी बेटी उसके सामने ही उन एलियंस का चारा बन गई। चार्ली भी यहाँ पे बच जाता है, और जब डैन अपनी बेटी को देखता है, तब वो काफी खुश होता है। पर उसको मालूम था कि उसकी बेटी भविष्य में मरने वाली है, और वो ये बात एमी को भी बताता है। तब एमी कहती है कि जब एलियन ने पहली बार इस धरती पर हमला किया था, हम उसी जगह पर जाकर उन एलियंस को मार देंगे। पर डैन कहता है कि किसी को भी ये नहीं मालूम कि वो एलियंस कहाँ पर उतरे थे। डैन कहता है कि पहला हमला रूस के एरिया से हुआ था, और अब वो हेल्प लेने के लिए उसी आदमी के पास जाता है जिसको कैंसर था। डैन कहता है कि मैं अपनी बेटी को भविष्य में बचाना चाहता हूँ, तो मुझको तुम्हारी हेल्प चाहिए, और ये आदमी मान जाता है। और इस आदमी के पास उस व्हाइट स्पाइक का एक दांत होता है, और चार्ली उस दांत की रिसर्च करता है। तब वो देखता है कि इस पर ज्वालामुखी की धूल की परत है, पर वो कहता है कि ये ज्वालामुखी की राख चाइना से है, पर पहला हमला एलियंस ने रूस से किया था। चार्ली कहता है कि हमको एक ज्वालामुखी का एक्सपर्ट ढूंढना पड़ेगा, और डैन ऐसे एक बंदे को जानता था जो कि उसके स्कूल में पढ़ता था। तभी लड़का बताता है कि चाइना में काफी साल पहले एक ज्वालामुखी फटा था, जिसका विस्फोट काफी बड़ा था, और उसकी राख रशिया के पहाड़ों में अभी तक है। और ये लड़का लैपटॉप खोल के बताता है, कुछ साल पहले ऐसी राख रशिया के इस ग्लेशियर में मिली थी, और यहाँ पर हमको मालूम चलता है कि वो एलियंस हजार साल पहले ही इस धरती पर आ गए थे, और इसलिए इंसानों को उसके आने का कोई सबूत ही नहीं मिला, क्योंकि हजार साल पहले ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। और ये एलियंस उस बर्फ के नीचे दब गए थे, और हजार साल से धीरे धीरे करके इस बर्फ के पिघलने का वेट कर रहे थे। और अब ये सभी डिसाइड करते हैं रूस जाने का, पर यहाँ का हेड बोलता है कि नहीं, तुम रूस नहीं जा सकते, क्योंकि डैन और उसके साथी के पास कोई सबूत नहीं था कि एलियंस पक्का वहीं पर होंगे। और अब डैन डिसाइड करता है अपने साथियों के साथ रूस जाने का, और उसको मालूम था कि उसकी यहाँ पर हेल्प सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, और वो थे उसके पापा। और वो ना चाहते हुए भी अपने पापा की हेल्प लेता है, क्योंकि वही इनको बॉर्डर क्रॉस करा सकते थे, क्योंकि डैन के पापा एक पायलट थे। और जो भी साथी डैन के साथ रूस जाना चाहते थे, वो उसके साथ आ जाते हैं। और जब ये लोग रूस पहुंचते हैं, तब उसी ग्लेशियर के पास विस्फोट करते हैं, और उसके अंदर जाकर चेक करते हैं कि आखिर वो एलियन स्पेसशिप यहाँ पर है कि नहीं। और थोड़ी गहराई पर जाने के बाद इनको वहाँ पर वो स्पेसशिप मिल जाती है, और चार्ली और डैन के फादर बाहर वेट करते हैं, और बाकी सभी साथी अंदर जाते हैं। और अंदर जाकर ये लोग देखते हैं व्हाइट स्पाइक्स के अंडे, और उनको समझ में आता है कि ये स्पेसशिप यहाँ पर क्रैश हुआ था। एलियंस दरअसल धरती पर हमला नहीं करना चाहते थे, वो लोग कहीं और हमला करने वाले थे, और इसलिए एलियंस ने ऐसे अंडे तैयार किए ताकि वो लोग उस ग्रह पर जाकर अपनी आबादी बढ़ाकर उस ग्रह को तबाह कर सके। पर इन एलियंस ने भविष्य में धरती को ही तबाह कर दिया। और अभी सभी लोग म्यूरी द्वारा बनाया गया उस शहर को इन अंडों के अंदर डालना शुरू कर देते हैं, और कुछ सेकंड में ही ये एलियंस मरने लगते हैं। पर उन आवाजों से दूसरे अंडे ब्लास्ट हो जाते हैं, और ये व्हाइट स्पाइक्स बाहर आ जाते हैं। और डैनिस की खबर अपने पापा को देता है, और बाहर निकलने वाले एलियंस को चार्ली और डैन के डैड मारने लगते हैं। और डैन अब बाहर आ जाता है, पर दो साथी अभी भी अंदर थे, और वो लोग अपनी जान की कुर्बानी देकर इस एलियन स्पेसशिप के अंदर ब्लास्ट कर देते हैं। पर बाहर डैन के फादर बताते हैं कि एक मादा यहाँ से भाग चुकी है, और अब ये तीनों मिलकर उस मादा को पकड़ने जाते हैं। और जब ये मादा डैन के फादर पर अटैक करती है, तब डैन अपने फादर को बचा लेता है, और ये मादा छुपकर इन दोनों पर हमला करती है, डैन को घायल कर देती है। कि तभी डैन के फादर इस मादा की आंख पर वार करते हैं, और मौका पाकर डैन उस जहर को इस मादा के हाथ के अंदर डाल देता है,
और फाइनली ये मादा मर जाती है। जब ये बात सभी को मालूम चलती है तो ये ऑफिसर पूरा क्रेडिट अपने ऊपर ले लेता है, पर एमी काफी खुश होती है क्योंकि उसको मालूम था कि अब म्यूरी भविष्य में नहीं मरेगी और डैन और उसके फादर के बीच जो भी प्रॉब्लम थी वो अब सॉल्व हो चुकी थी। तो पहले इनकी तीन की फैमिली अब चार की हो चुकी थी और बस यहीं पर ये मूवी थी एंड हो जाती है। तो अगर आपको ऐसी मूवी देखना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ऐसी अद्भुत मूवी ये साइड में आ रही हैं, दोनों ही काफी इंटरेस्टिंग है,